नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा पहुंचे गोगुंदा, घटेश्वरी माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा आज मंगलवार को उदयपुर जिले के गोगुंदा के जसुनगढ़ स्थित घटेश्वरी माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जसुनगढ़ पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अशोक जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शर्मा को मेवाड़ी पगड़ी व उपरना पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांगी कानावत, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, भारतीय जनता युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष ललित सिंह सिसोदिया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, महामंत्री व मंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी, उनका प्रवास जब उदयपुर को मिला तो आप ही के यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई ललित जी, आप ही के उप जिला प्रमुख भाई पुष्कर जी, इन्होंने जिस स्थान का चयन किया अध्यक्ष जी के प्रवास के लिए वो गोगुंदा रहा। उस समय भी मुझे इस पावन धरा का दर्शन करने का लाभ मिला और आज पुनः मेरा सौभाग्य रहा कि आज मैं पुनः इस धरती पर आया और मुझे महाराणा प्रताप की रास तिलक स्थली को नमन करने का सौभाग्य मिला। हो सकता है गोगुंदा उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में है, परंतु आज की परिस्थितियों में राजस्थान के भी दूसरे क्षेत्रों में और राजस्थान के बाहर भी गोगुंदा का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। और जब जब राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा, जब जब राजस्थान का इतिहास लिखा जाएगा, इतिहासकार कोई भी हो, अगर कोई कम्युनिस्ट भी जाकर राजस्थान का इतिहास लिखेगा तो भी मेरे को लगता है गोगुंदा का नाम स्वर्ण अक्षरों में उस इतिहास के अंदर लिखा। साथियों, जैसा कि मेरे से पहले वाले सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष बात रखी और विधायक साहब ने उसको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि राजस्थान में किस प्रकार से जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनमें घोटाले हुए, उनमें अनियमितताएं हुई और एक बेरोजगारी भत्ते की बात को भी विधायक साहब ने बहुत अच्छे से आप सभी के समक्ष रखा। तो मैं बार बार इस बात को आपके समक्ष नहीं रखूंगा, मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष, परंतु ये बहुत बड़ी बरवाड़ा में सरस्वती मंदिर में 7वां वार्षिक उत्सव एवं ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। उदयपुर जिले के सायरा पंचायत समिति के बरवाड़ा गांव में नंगाची समाज द्वारा 7वां वार्षिक उत्सव समारोह एवं सरस्वती माता के मंदिर पर ध्वजा परिवर्तन कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार नंगाची ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरस्वती माता मंदिर परिसर में 7वां वार्षिक उत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में जयकारों के साथ ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर समाजजनों द्वारा बैठक कर समाज में सुधार को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर हीरालाल, लोगड़लाल, मांगीलाल, छगनलाल, शांतिलाल, रतनलाल, इंदरलाल, लालचंद, मदनलाल, लीलाधर व समाज की महिला उपस्थित रही। वही कार्यक्रम के समापन पर भोजन प्रसाद के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया।